हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम। दोस्तों, आरआर कैट की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से। सो हम पूरा वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए कितनी पोस्ट आउट हुई हैं। यहाँ पर डिप्लोमा एंड आईटीआई स्टूडेंट सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट जो आउट हुई हैं, तो इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हो 14/6/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो अभी फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी टाइम है, तो इसकी हम पूरी डिटेल में बात कर लें। सबसे पहले हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स की देखेंगे तो पोस्ट कोड B1 है। नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसका पे स्केल रहने वाला है 7 ऑफ पे मैट्रिक्स, इनिशियल पे 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस, एज जो भी एडमिशियल जो अदर अलाउंस रहते हैं वो सब मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन ग्रुप B, नॉन गजेटेड यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है रिजर्व फॉर OBC के लिए, ठीक है। 18 से 33 ईयर्स तक यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर 3 ईयर्स आफ्टर SSC और 2 ईयर्स आफ्टर HSC, यानी 12th के बाद यहाँ पर 2 ईयर्स का, यहाँ पर 12th के बाद अगर करते हो तो 2 ईयर्स का, 10th के बाद करते हो तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया। विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपकी 60% होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मिनिमम कॉम्युलेटिव 4 ईयर्स प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डीजल एंड पेट्रोल फोर व्हीलर व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड रेप्यूटेड ग्रेजेस आफ्टर ऑबटेनिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी यानी काम क्या रहने वाला है ये भी बताया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल टू फोर व्हीलर व्हीकल एलोंग विद फॉर्कलिफ्ट ऑफ आरआर कैट, में ये सब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो B1, B2, B3 जो कि अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी है, 1 हैं 2 हैं, यहाँ पर रिजर्व भी हैं, कुछ अनरिजर्व भी हैं, सभी प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर B5, B6 यहाँ पर सभी में BSc, कई किसी में जैसे BSc मांगा है, किसी में डिप्लोमा मांगा है, तो यानी ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा एंड IT स्टूडेंट्स सभी के लिए वैकेंसी आउट हुई हैं। अगर इसका आप हिंदी में नोटिफिकेशन चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे टेलीग्राम टेक एग्जाम की, वहाँ सर आप वहाँ पे जाके आसानी से आप इसका हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक नीचे दे दी है, वहाँ से जाकर भी आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं IT स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पोस्ट कोड C1 जो लिखा है, नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन है, ये हमारे लिए IT स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। पे स्केल इसमें रहने वाला है आपका 25,500 प्लस अदर अलाउंस रहने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ग्रुप C आपकी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 2 हैं, AWS की 1, ST की 1, ठीक है। एज इसमें 18 से 25, AWS के लिए और ST के लिए 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है आपकी 10th पास होना चाहिए आपके लिए 60% के साथ, एंड एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड। तो वायरमैन से यहाँ से टेक्नीशियन वायरमैन की पोस्ट, तो आपकी वायरमैन ट्रेड से ही आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। C2 के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर C2 है टेक्नीशियन कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड से ITI होनी चाहिए, ठीक है। लेवल 4 का आपका वो जो है आपका प्लस 25,500 आपका सैलरी रहने वाला है। OBC के लिए 1, अनरिजर्व में 1, यानी 2, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। यहाँ से आप इस प्रकार से C3 में देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1 है AWS के लिए, यहाँ है मिली राइट ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। C4 में देखोगे तो 1 है ST के लिए, यहाँ पर आपकी ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल से ITI होनी चाहिए, ठीक है। C5 में आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, अनरिजर्व में 1 है, 3 पोस्ट, टोटल नंबर पोस्ट 3 है, ठीक है। यहाँ पर 18 से 30 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। C6 में आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रुप सी में जो कि फिटर वालों के लिए है, यहाँ पर लेवल 3 के वो 21,700 आपकी रहने वाली है। और यहाँ से आप देखोगे तो आपके लिए 10th पास होना चाहिए 60% मार्क के साथ, और आपकी ITI फिटर से होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 8 है, काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट है अदर ट्रेड की अपेक्षा। यहाँ पर SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, AWS के 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, तो ठीक है। यहाँ से आपके लिए फिटर में
फेडर प्रिसीजन असेंबली, यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी दी गई, इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो फेडर वालों के लिए अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। आरआर कैट में आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं। यहाँ पर सी एट के लिए आप देखोगे जैसे कि फिजियोथेरेपी है, और सी सेवन के लिए ऑप्टिकल साइंस है, तो यहाँ पर सी इतनी सी नाइन के लिए ग्लास ब्लोइंग ट्रेड से यहाँ होना चाहिए। सी टेन के लिए यहाँ से कारपेंटर की भी ट्रेड की भी यहाँ पर वैकेंसी निकल गई। अब हम देख लें सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपका वही रहने वाला है जो कि सभी डीएई के डिपार्टमेंट में रहता है। पहले आपका प्राथमिक टेस्ट होगा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, और एडवांस टेस्ट के ऊपर ही आपकी वो मेरिट बनेगी, और एक चार पाँच गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर हम हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑनलाइन जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है rrcat.gov.in पर आपके लिए लॉगिन कर जाना होगा। वहाँ पर रजिस्टर होकर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म अप्लाई की वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हो। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पर एक और बात बता दूँ कि अच्छी तैयारी कराई जा रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हो प्रीलिम्स एंड एडवांस टेस्ट की। तो आप आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।